नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ में 3 पुलिस थानों में पिछले 8 महीनों से पकड़ी गई 2 करोड़ से अधिक रुपयों की शराब को किया गया नष्ट। मंगला संकष्टी चौथ और अंगार की चौथ का संगम होते बलसाड़ मोटा बाजार स्थित गणपति मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बलसाड़ में रेलवे के जनरल मैनेजर बलसाड़ की मुलाकात लेने मजदूर संघ ने समस्याओं के बारे में जीएम को दिया आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ जिले के 3 पुलिस थानों में पिछले 8 महीनों से 2 करोड़ से अधिक रुपयों की शराब को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल करते जुजवा पाथरी गांव के एक मैदान में शराब नष्ट करने की कार्यवाही की गई थी। गुजरात में देखा जाए तो शराब पर प्रतिबंध है, फिर भी हर रोज बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों के साथ संघ प्रदेश दमन और सिलवासा से लाखों रुपयों की शराब गुजरात के अंदर लाया जा रहा है और उसे बड़ी कीमत पर बेचा भी जा रहा है। ऐसे में गांधी के गुजरात में बड़े पैमाने पर लाई जा रही शराब को रोकने और उसे पकड़ने में कई बार पुलिस को सफलता भी मिलती है। ऐसे ही सफलता के चलते बलसाड़ जिले के 3 पुलिस थाने में पिछले 8 महीनों से 2 करोड़ से अधिक रुपयों की शराब को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। यही पकड़ी गई शराब को मंगलवार के दिन बलसाड़ के जुजवा पाथरी गाँव के एक मैदान में नाश करने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के DYSP प्रांत अधिकारी और नशाबंदी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बलसाड़ सिटी पुलिस द्वारा पकड़ी गई 27 लाख की शराब, रूरल पुलिस द्वारा पकड़ी गई 1.38 करोड़ की शराब और डुंगरी पुलिस द्वारा पकड़ी गई 43 लाख की शराब मिलाकर करीबन 2 करोड़ के आसपास की शराब का नाश किया गया था। वलसाड़ જિલ્લાના વલસાડ ડિવિઝન હદ વિસ્તારમાં વલસાડ તાલુકા વિસ્તારમાં વલસાડ રૂરલ ડુંગરી અને વલસાડ સિટી 3 પોલીસ સ્ટેશન આવેલા છે। આ ત્રણેય પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવેલો હોય છે અને તે અનુસંધાને જુદા જુદા ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલા હોય છે, તે ગુનાઓમાં મુદ્દામાલનો નાશ કરવા માટે નામદાર કોર્ટ તરફથી મંજૂરી મેળવી SDM સાહેબ વલસાડની અધ્યક્ષતામાં અને નશાબંધી આબકારી ખાતાના કમિટી સભ્યો અને અમારી ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ કુલ આશરે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો નાશ કરવામાં આવી રહેલો છે અને આ દારૂના જથ્થામાં વલસાડ રૂરલનો 1.38 કરોડ રૂપિયા, ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશનનો 43 લાખ રૂપિયા અને વલસાડ સિટીનો 27 લાખ રૂપિયાનો કુલ જથ્થો આજરોજ નાશ કરવામાં આવેલો છે। આ જે છે છેલ્લા 8-9 મહિનાનો જે મુદ્દામાલ જે અમારા ગોડાઉનમાં જમા હતો તે નાશ કરવામાં આવેલો છે અને આ દમણ મહારાષ્ટ્ર અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રવેશ કરાવી અને પકડી પાડવામાં આવેલો મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે। મંગળવાર કો મંગળા સંકષ્ટી ચોથ ઓર અંગાર કી ચોથ કા સંગમ હોતે બલસાડ કે મોટા બજાર સ્થિત આય બડે ગણપતિ મંદિર મે બડી સંખ્યા મે શ્રદ્ધાળુ લોક બાપા કે દર્શન કે લિયે ઉમટ પડે થે। मंगलवार को मंगला संकष्टी चौथ और अंगार की चौथ का संगम होते वलसाड़ के मोटा बाजार स्थित आए बड़े गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे।
बाजे सुबह गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू शाही सुर भर को महिमा कहे न जाए लाल तो पद को जय देव जय देव जय जय श्री। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तजन अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर में बप्पा के दर्शन करके धन्यता प्राप्त की थी। वहीं आज के इस अवसर पर गजानंद को रंग बिरंगी कपड़ों रजवाड़ी पोशाक और गहनों के साथ सुशोभित फुलहार और दुर्वा से सजाया गया था। इस खास अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर की 108 जितनी प्रदक्षिणा करके अपनी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी बप्पा से प्रार्थना करते भी नजर आए थे। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा भी चल रहे कोविड की महामारी को देख भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और मास्क पहनकर दर्शन करने का आह्वान करते भी नजर आए। साथ ही में इस खास अवसर पर मोटा बाजार रोड पर ट्रैफिक की समस्या खड़ी न हो उस आशय से अंबा माता मंदिर से लेकर गणपति मंदिर तक के रोड को बंद करके पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था। मंगला चौथ के इस अवसर पर पूरे दिन भक्तों का तांता मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए आते देखा गया। बलसाड़ में पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर खास मुलाकात के लिए पहुंचे थे बलसाड़। बलसाड़ के मजदूर संघ के रेलवे कर्मचारियों ने कई मुद्दों को लेकर जीएम को सौंपा आवेदन पत्र। बलसाड़ रेलवे स्टेशन पर मुंबई से पश्चिम रेलवे डिवीजन के जनरल मैनेजर आलोक कंसल उच्च अधिकारियों की टीम के साथ आ पहुंचते। बलसाड़ रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में चहल पहल फैली थी, जिसमें बलसाड़ ब्रांच वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के होद्देदारों ने जनरल मैनेजर कंसल का भव्य स्वागत किया था। उस दौरान बलसाड़ रेलवे विभाग के कई प्रश्नों के हल के मुद्दे पर प्रश्न उठाकर आवेदन पत्र सौंपा गया था, जिसमें बलसाड़ कर्मचारियों के उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में दवाइयां कम होने को लेकर प्रश्न खड़े किए गए थे। इसी के साथ बलसाड़ रेलवे कॉलोनी में रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स भी कम होने को सामने आते रहने की समस्या खड़ी हुई है। रेलवे लाइन पर फरज बजाते ट्रैक मैनों के प्रश्न का भी हल लंबे वक्त से नहीं किया गया था। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के मृत्यु के बाद उनके परिजनों को मिलने योग्य सहाय में भी देरी हो रही हो जैसी शिकायत की गई थी। बलसाड़ रेलवे मजदूर संघ के होद्देदार राजीव शर्मा, मकबूल मलिक, अमित मिश्रा, हनीफ मलिक, प्रदीप चौहान, अजीत सिंह, पीसी राजपूत, मनोज पटेल तथा अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे थे। धर्मपुर पालिका क्षेत्र में आए सांता पार्क क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी पिछले 8 महीने से भर रहा हो रही पुकार उठे हैं त्राहिमाम। धर्मपुर पालिका क्षेत्र में आते शांता पार्क और आदर्श पार्क के बीच खाली प्लॉट से पसार होती ड्रेनेज लाइन चौकअप होते गंदा पानी बाहर आ रहा है। पिछले 6 महीने से बह रही गटर गंगा पालिका की आभारी है। स्थानिक रहिशों द्वारा कई बार इस समस्या को लेकर बताया गया, पर पालिका के सत्ताधीशों द्वारा आज दिन तलक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। समस्या से त्रस्त होकर सांता पार्क के रहिश परेशान बन रहे हैं। यहाँ इस कदर गंदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि बदबूदार पानी यहाँ भरा हुआ ही रहता है, जिसके चलते कई बीमारियां फैलने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। स्थानिकों द्वारा कई बार लिखित में भी पालिका प्रमुख को जानकारी दी गई, पर पालिका द्वारा इस समस्या पर कोई भी कामगिरी नहीं की गई हो। यहाँ के लोगों को हर रोज इसी बदबूदार पानी की समस्या को झेलना पड़ रहा है, तो अब रहिशों द्वारा ऐसी मांग की गई है कि ये बदबूदार ड्रेनेज के गंदे पानी को हटाया जाए। दूसरी ओर कब्रिस्तान मार्ग पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रेनेज लाइन चौकअप करते वहां पर भी ड्रेनेज का गंदा पानी देखने को मिल रहा है।
तो अब इस समस्या पर पालिका द्वारा आवश्यक कामगिरी की जाए, ऐसी मांग रहीसों द्वारा की जा रही है। वापी नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों द्वारा पालिका की जनता को वोटिंग किस तरह से करना है उस बारे में दी जा रही है जानकारी। वापी पालिका के चुनाव को लेकर अब चंद दिन ही रह गए हैं। 28 नवंबर के रोज आयोजित होने वाले चुनाव के लिए 48 घंटों से पहले चुनाव प्रचार कार्य बंद किया जाएगा। 43 बैठकों के लिए 109 उम्मीदवार चुनावी जंग में है। चुनाव धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, तो चुनाव अधिकारियों द्वारा जनता को वोट किस तरह से देना चाहिए, किस तरह से बटन दबाया जाएगा, जैसी आवश्यक जानकारी दी जा रही है, ताकि वोटिंग के वक्त सबको मालूम रहे कि किस तरह से ईवीएम मशीन से वोट किया जाए। चला गया किसी और में, पीला बटन दबाने से पहले हाँ। अब इसके बाद आप ये आपको पता चला कि 4 नंबर वाला तो गलत कैंडिडेट है, हमारे पार्टी वाला नहीं है, या फिर मुझे जो चाहिए वो नहीं है, तो क्या करोगे आप? कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, समझ गए? अगर गलती से बटन दब जाता है किसी और का तो वो कर, ये 3 तो दिया है ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मुझे 6 वाला चाहिए। वापी नगर पालिका चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा चल रहा है जोरों शोरों से प्रचार। वापी नगर पालिका के 11 वार्डों की कुल 43 बैठकों के लिए 28 नवंबर को चुनाव आयोजित होंगे, तो 43 बैठकों के लिए 109 उम्मीदवार चुनावी जंग में है। अब ये चुनाव अंतिम चरण की ओर जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी द्वारा जोरों शोरों से अपने वार्ड में प्रचार हो रहा हो, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवारों द्वारा सभी क्षेत्रों में घूमकर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझकर लोगों से अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मुहर लगाकर जिताने के प्रचार में जुटी है। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा 25 जितने कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है, तो अब देखना है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत कहां तक निश्चित है। वार्ड नंबर 2 हारून इस्माइल शेख उम्मीदवार। थैंक यू दमन न्यूज़, थैंक यू। वापी में नगर पालिका संचालित स्कूल की हालत देखिए आप, एकदम बेकार हालत में है नगर पालिका के स्कूलें, और नगर पालिका में जो स्टाफ है उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि सोच लीजिए कि वो नगर पालिका के स्कूल की हालत क्या है। दूसरा जो मुद्दा है स्वास्थ्य, हम लोग अगर जीत के आएंगे तो नगर पालिका में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो सबको अच्छी मिलेगी। और दूसरा वापी का रास्ता देख लीजिए आप, डूंगरी फलिया का रास्ता देख लीजिए, सीढ़ी का रास्ता देख लीजिए, बारिश में रास्ते की क्या हालत है। अभी तो रास्ते बन गए ना, वो चुनाव आते हैं तभी रास्ते बनते हैं। अभी वार्ड नंबर 4 में आचार संहिता का भंग हुआ है, अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद में रास्ता बना है, तो जब भी चुनाव आते हैं तभी भाजपा लॉलीपॉप देती है, अच्छे अच्छे रास्ते बना देते हैं, कोई मिनिस्टर आता है तभी अच्छे अच्छे रास्ते बनते हैं, बाकी के टाइम पे जनता की हालत देखे कि कैसे कैसे रास्ते हैं वापी में। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे वापी में जीत रही है और इस बार नगर पालिका में आम आदमी की पार्टी की एंट्री हो रही है, ये पक्का है। लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, हाँ 100% लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग भाजपा और कांग्रेस से कंटाल गए हैं और लोग हमें बोल रहे हैं कि आपकी ज़रूरत थी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लोग कंटाल गए हैं ये भाजपा से, क्योंकि हर बार महंगाई आ रही है, नगर पालिका की महंगाई चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर हाउस टैक्स का मुद्दा सबसे बड़ा है, छोटा सा घर हो उसका भी 2500-3000 हाउस टैक्स किया हुआ है, तो आदमी गरीब आदमी कैसे उसको भरेगा, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल में लाएगा। तो एक ही मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, जिस तरह से हमारे कॉपरेटर 27 कॉपरेटर सूरत के अंदर जीते और उन्होंने वहाँ पे बेहतरीन काम करके दिखाया, उसी काम को सराहनाते हुए यहाँ के कितने भी लोग हो वो लोग सूरत से तो बिलोंग करते ही है, सूरत जाके आते हैं, उन्होंने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम करके देखा है। समाचारों के
के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ में 3 पुलिस थानों में पिछले 8 महीनों से पकड़ी गई 2 करोड़ से अधिक रुपयों की शराब को किया गया नष्ट। मंगला संकष्टी चौथ और अंगार की चौथ का संगम होते बलसाड़ मोटा बाजार स्थित गणपति मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बलसाड़ में रेलवे के जनरल मैनेजर बलसाड़ की मुलाकात ले गयी मजदूर संघ ने समस्याओं के बारे में जीएम को दिया आवेदन पत्र। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।